हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यचर्या निर्माण के आधार। पाठ्यचर्या का निर्माण मूलतः व्यक्ति, समाज और सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर किया जाता है। वस्तुतः प्रत्येक समाज, व्यक्ति तथा शिक्षा संस्थाओं से आशा रखता है कि विदेश काल परिस्थितियों को अनुकूल आदर्शों, मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं से आच्छादित बालकों की रुचि, आवश्यकता, बुद्धि के अनुकूल वैज्ञानिक कसौटी पर खरा उतरने वाला विविध विषयों, क्रियाओं, अनुभवों को जानने समझने में समझ के साथ आत्मसात कराए। इस दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ आधार हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं इसके विषय में कि पाठ्यचर्या विद्यालय गतिविधि का मूल आधार है। विद्यालय में पाठ्यचर्या को केंद्र में रखकर शिक्षक शिक्षार्थी अपने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। दुबेकर का विचार है कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यालय के नियंत्रण में सीखने वाले विद्यार्थियों के समस्त अनुभवों को सम्मिलित किया जाता है। यह पाठ्य पुस्तकें, विषय वस्तु, यहाँ तक कि अध्ययन विषय से भी व्यापक, ये संपूर्ण स्थिति या स्थितियों का समूह है जो शिक्षक तथा विद्यालय प्रशासक को प्राप्त होता है। इसके द्वारा विद्यालय के दरवाजे से प्रवेश करने वाले बालकों को या कहीं नवयुवकों को उनके आचरण में परिवर्तन करता है, यानी कि बालकों के और नवयुवकों के आचरण में परिवर्तन करता है। इस कथन से ये स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या से विद्यालय से जुड़े सभी व्यक्ति प्रभावित होते हैं। पाठ्यचर्या मूलतः शिक्षा के उद्देश्यों पर आधारित होती है। उद्देश्य का निर्धारण समसामयिक देश काल परिस्थितियों पर निर्भर होता है। उद्देश्यों को केंद्र में रखकर ही पाठ्यचर्या का सृजन किया जाता है। इसके अलावा पाठ्यचर्या निर्माण के या निर्माण में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही यानी कि जो शिक्षक है, शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप खोज खोज कर तथ्यों प्रकरणों को पाठ्यचर्या में कहीं स्थानापन्न करता है। इससे पाठ्यचर्या में जो है सहायता प्राप्त होती है एक तरह से कहें, और पाठ्यचर्या समसामयिक दृष्टि से उपयोगी भी बनती है। पाठ्यचर्या विद्यालयी अनुशासन को कायम रखने में भी सहायता करती है, और पाठ्यचर्या विद्यार्थियों को शैक्षिक क्रियाकलापों में व्यक्त करके अनुशासनहीनता का समापन करने में सहायक होती है। इसी के साथ या कहें इसी दृष्टिकोण से पाठ्यचर्या निर्माण के मूलतः पांच आधार माने गए हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला आधार है फिलोसफिकल बेसिस या कहें दार्शनिक आधार। दूसरा है साइकोलॉजिकल बेसिस यानी कि मनोवैज्ञानिक आधार। थर्ड पॉइंट है हिस्टोरिकल बेसिस यानी कि ऐतिहासिक आधार। फोर्थ पॉइंट इसमें है सोशल बेसिस यानी कि सामाजिक आधार। और फिफ्थ पॉइंट है साइंटिफिक बेसिस यानी कि वैज्ञानिक आधार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिलोसफिकल बेसिस की यानी कि दार्शनिक आधार की। हेराल्ड टी जॉनसन ने फाउंडेशन ऑफ करिकुलम नामक अपनी पुस्तक में आदर्शवादी पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि उसमें सूचनाओं को ज्ञान के रूप में, पुस्तकों को यंत्र के रूप में तथा महान विचारों को आदर्शों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि आदर्शवादी पाठ्यक्रम में उन सभी विषयों को रखने की हिमायती हैं या पक्षधर हैं कहें, जिसमें या कहें जिससे व्यक्ति सामाजिक मानसिक वातावरणीय परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करते हुए आध्यात्मिक मूल्यों का ज्ञान प्राप्त कर आत्मानुभूति कर सके। इसी प्रकार या कहें ये विचार इसी प्रकार का विचार जो है H.H. हॉर्न ने भी अपनी कृति या कहें पुस्तक आइडियलिज्म इन एजुकेशन में दिया है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि पाठक बनने का सुदृढ़ बुनियाद ये है कि मनुष्य के आदर्श चरित्र यानी कि कैरेक्टर, आदर्श समाज के लक्षणों की कल्पना करके उन अनुभवों, क्रियाओं, जीवन परिस्थितियों तथा पाठ्य विषयों का चुनाव किया जाए जो उन आदर्शों की पूर्ति में मददगार हो।
इसके लिए सर्वप्रथम भौतिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक तथ्यों को पाठ्यक्रम में स्थानापन्न किया जाए, फिर आचरण को सीमित करके या करने वाले कुछ तथ्यों का समावेश किया जाए। इसके लिए सत्य या कहीं सत्यम, ज्ञान, शिवम, कर्म तथा सुंदरम भावना को पोषित करने वाले विषयों को का जो है समावेश समीचीन होगा। कल्टन ब्रॉक के अनुसार उन्होंने लिखा है कि आत्मा का दर्शन हमें ये बताता है कि आत्मा तीन चीजों की इच्छा करती है। ये इच्छा वह अपने लिए करती है कि क्या उचित है, ये जानना चाहती है कि क्या सत्य है, और तीसरी इच्छा ये है कि सुंदरता की चाह। द फिलोसफी ऑफ द स्पिरिट टेल्स अस दैट द स्पिरिट डिजायर थ्री थिंग्स एंड डिजायर्स देम फॉर देयर ओन सेक। इट डिजायर्ड टू डू व्हाट इज राइट, टू नो द ट्रुथ, एंड इट हैज ए थर्ड डिजायर फॉर ब्यूटी। इससे स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या में सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों का समावेश अवश्य होना चाहिए। प्लेटो ने भी सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसे सनातन मूल्यों को पाठ्यक्रम में रखने का पक्ष किया है। इसी दृष्टिकोण से निम्नलिखित विषय, जो कुछ विषय हैं, उनको महत्व दिया है। सत्य का ज्ञान कराने वाले विषय हैं भाषा, साहित्य, भूगोल, गणित, दर्शन, ज्योतिष, विज्ञान एवं बौद्धिक क्रियाएं। शिवम का ज्ञान कराने वाले विषय धर्म, अध्यात्म शास्त्र, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, समाज सेवा, मानव सेवा से संबंधित क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं, स्वास्थ्य रक्षा संबंधी क्रियाएं, सैनिक शिक्षा, उद्योग आदि। सुंदरम का ज्ञान कराने वाले विषय कविता, संगीत, कला, कौशल, निर्माण, रचना संबंधी क्रियाएं, सफाई सुरक्षा की क्रियाएं। अब हम इसी के साथ देखेंगे प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। प्रकृतिवादी पुस्तक ये शिक्षा का विरोध करता है, प्रकृति का अनुसरण करने पर बल देता है, शिक्षा को प्रगतिशील बनाने पर बल देता है। प्रगतिशीलता से ये स्पष्ट होता है कि प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम को समग्र जीवन से संबंधित चीजों को रखने का हिमायती है, किसी एक विषय का ज्ञान देने का विरोधी है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक विषयों को ही न रखकर व्यवहारिक एवं क्रिया कौशल से संबंधित विषयों का ज्ञान बालकों को देना चाहता है। प्रयोगात्मक विषय होने पर ही बालक प्रत्यक्ष अनुभूति एवं उसको करके सीखने की वो तत्पर रहेगा। पुस्तक या पुस्तकीय ज्ञान का वह इसीलिए विरोध करता है। प्रकृतिवाद पाठ्यक्रम में उपयोगितावादी सिद्धांत लाना चाहता है, जो विषय उपयोगी, सार्थक एवं बालक के जीवन को समृद्धशाली बनाने में योगदान देने वाले हों, उन्हीं विषयों को पाठ्यक्रम में रखने का प्रकृतिवाद समर्थन करता है। जीवन में काम न आने वाले विषयों से संबंध पाठ्यक्रम को वह अव्यवहारिक बताता है, यानी कि व्यवहारिक विषय नहीं है ऐसा मानता है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन ही इसी दृष्टिकोण से किया था, क्योंकि क्योंकि उसके समय में दी जाने वाली शिक्षा में बालक की मनोवृत्तियों, यानी कि मनोवृत्तियों या रुचियों को कोई महत्व तो नहीं दिया जाता था। बालक को लघु प्रौढ़ मानकर शिक्षा का पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता था। उसने अपनी कृति एमिल में इसी कारण पाठ्यक्रम को अवस्थानुकूल बांटकर तत्संबंधी विषयों को बड़े तार्किक क्रम में रखा, पाठ्यक्रम को बाल केंद्रित बनाया। शैशवावस्था में उसने बालकों को शारीरिक शिक्षा एवं ज्ञानेन्द्रियों के विकास संबंधी पाठ्यक्रम जैसे कि कूदना, दौड़ना, व्यायाम करना, कुश्ती एवं अन्य खेलों को रखा है। इसके बाद भी अवस्थाओं में उसने भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, भाषा, ज्योतिष, गणित आदि विषयों की शिक्षा देने पर बल दिया है। युवावस्था में प्लेटो ने संवेगों पर नियंत्रण रखने वाले विषयों एवं नैतिक सामाजिक विषयों को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने की बात कही है। प्रगतिवाद के दूसरे विचारक हर्बर्ट स्पेंसर जो है शिक्षा के माध्यम से पांच प्रकार के गुणों का विकास करने हेतु पाठ्यक्रम यानी कि 6 में कुछ विषयों को रखने का सुझाव दिया, जैसे कि आत्मरक्षा संबंधी गुणों के विकास के लिए पाठ्यक्रम में शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, व्यायाम आदि विषयों को रखा जाए। दूसरा, जीविकोपार्जन संबंधी गुणों के विकास के लिए पाठ्यक्रम में विविध प्रकार के वैज्ञानिक विषयों जैसे गणित, भूगोल आदि को रखा जाए। थर्ड, संतति पालन संबंधी विकास के गुणों के लिए यौन,
विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, बाल मनोविज्ञान तथा महिलाओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाए। फोर्थ, सामाजिक गुणों के विकास के लिए पाठ्यक्रम में समाज विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और पाठ्यक्रम में, यानी ये पाठ्यक्रम में इनको स्थान दिया जाना चाहिए। अवकाशकालीन समय के सदुपयोग के लिए संगीत, साहित्य, कला, सैन्य अभ्यास आदि को पाठ्यक्रम में रखा जाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्यों के समान प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के संबंध में भी विविधता दृष्टिगोचर होती है, यानी कि जो ये प्रकृतिवादी दृष्टिकोण जो दिया गया है, किंतु इतना तो ज्ञान ही होता है कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम अत्यधिक व्यवहारिक क्रिया प्रधान, व्यापक, विस्तृत और जीवन के जो है प्राकृतिक विकास की दृष्टि से उपयोगी है। क्योंकि कहा जाता है कि बालक को ये शिक्षा दी जाए कि आग को नहीं छूना है या असत्य नहीं बोलना है, केवल ये उसको सिद्धांत बता दिए जाए, उसे बार बार इस बात के लिए दबाव डाला जाए। लेकिन जब बालक इसका अनुभव करता है, जैसे कि कोई भी गर्म वस्तु को छूता है बाई चांस, जैसे कि आग ही उसे टच हो जाती है, तो वो महसूस कर लेता है कि आग हमें जलाती है और हमें इससे दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार झूठ बोलने पर क्या उसका परिणाम होता है, ये छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो ये वास्तविकता पर बल देता है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा गुण उसका धर्मनिरपेक्षी दृष्टिकोण अपनाना है, क्योंकि ये पाठ्यक्रम में किसी प्रकार की आध्यात्मिक एवं धार्मिक विषयों को रखने का एक तरह से विरोधी है। आज की इस वीडियो में हमने देखा पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, आधार, सिद्धांत पहले ही देख चुके हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार, जिसमें कि दार्शनिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार, ऐतिहासिक आधार और सामाजिक आधार तथा वैज्ञानिक आधारों के विषय में थोड़ा क्रम से बताया गया, और प्राकृतिक तथा आदर्शवाद, जो आदर्शवादी आधार और प्राकृतिक आधार के विषय में विस्तार से बताया गया। आज के लिए इतना ही, और जो शेष रह गए हैं पॉइंट्स उनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।